पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। इस आयोजन में जन अधिकार पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी शामिल हुए, जो एनआरसी बिल के खिलाफ केंद्र सरकार को झड़ते हुए था। बेगूसराय में सीएए के खिलाफ लोगों का उमड़ा जनसैलाब, 1 किलोमीटर लंबी निकाली गई प्रतिरोध मार्च, 20,000 में लोग शामिल हुए, हजारों के करीब लोग हुए शामिल। बेगूसराय में उस समय अजीब नजारा देखने को मिल रहा था, जब प्रतिरोध मार्च शामिल लोग हाथों में तिरंगे लिए में सीएए कानून को लेकर केंद्र सरकार का पुरजोर विरोध कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम के तहत संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के तहत आज 23 दिसंबर को गांधी स्टेडियम से एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो कचहरी चौक, ट्रैफिक चौक, लोहिया नगर, पन्हास चौक होते हुए आईटीआई मैदान पहुंचा, जहां एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक विजय पासवान ने किया। बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। सबके ऊपर एनआरसी लागू हो जाएगा, हुआ संविधान से वंचित हो जाएगा, शिक्षा से वंचित हो जाएगा, आर्थिक से वंचित हो जाएगा, इस तरह के गर्भपात व्यवस्था के द्वारा पुनः मनुस्मृति लागू किया जाएगा एनआरसी के माध्यम से। बहुत ही पुराना, बड़ा और अच्छा हमारी सरकार इस एकता को तोड़ करके आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जो काम इससे पहले अंग्रेजों ने किया है। तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे मुल्क में एकता बाकी रहे, प्रेम बाकी रहे, और ये यहाँ पर मुसलमान डरने की बात नहीं है, बल्कि मेहरबानी करके सभी लोग उतर जाइए वहाँ से, वो जो बैठे हुए गोल गोल वहाँ पे सामने आइए, प्रशासन के साथी से ही बोलेंगे थोड़ा मदद करें, और वहाँ पे जितने भी साथी है सभी साथी से गुजारिश है, फाइन हो जाए सभी साथी, पाइप से हाथ चलिए, पाइप तलब सकती है, फटते फट सकती है, सभी साथी को लेकर जो है लोग आक्रोशित होकर जो है पूरा हिंदुस्तान इस विरोध के में है। आज बेगूसराय के गांधी स्टेडियम से एक आक्रोश मार्च विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है सभी दल के द्वारा। यहां विपक्ष भी पार्टी इस समर्थन दे रहे हैं, और यहां जो है जन बिल और नागरिकता बिल के खिलाफ जो है आज एक सभा का आयोजन किया जा रहा है। यहां जो है देख सकते हैं कि हमारे पीछे कितने लोग में जुटे हुए हैं, इस बिल के खिलाफ आए हुए हैं, और हमारे होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में एनआरसी 2024 से पहले पहले आ जाएगा, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कानून का कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुआ, पूरे मुल्क में खौफ का माहौल है, और ये किसी धर्म की बुनियाद पे संविधान को तोड़ने वाला और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल आश्वासन है, और होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि पूरे मुल्क का एनआरसी होगा, सारे लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और आसाम में क्या सूरत हाल हुई है कि किस तरीके से 5 लाख मुस्लिम और तकरीबन 14 लाख ओबीसी और माइनॉरिटी और एससी एसटी के लोगों को डिटेंशन सेंटरों में भेजा गया है, और जनवरी में होम मिनिस्ट्री की जानिब से सारे राज्यों को यह कहा गया कि डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जमीनों पर उतराई जाए। इसका मतलब यह है कि सरकार के इरादे में कौन से लोग बहकावे में आने वाले नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने दिलासा दिया है, लेकिन आवाम जाग चुकी है, और उसके खिलाफ हम लोगों का आंदोलन जारी है। बताना चाहूँगा आज जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, ये एनआरसी सीएए के सिर्फ खिलाफ ही नहीं है, यह जन सैलाब, आज का जन सैलाब यहाँ के तानाशाही शासकों के जो धमक यानी संविधान की धारा को, संविधान के आर्टिकल को ये वॉयलेट कर रहा है, ये गैर संविधान है।
ये इस आर्टिकल में कि हम तीन देशों के नागरिकों को यानी पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को नागरिकता दी है। हमारा उनसे सवाल है सरकार से 11,000 है लेकिन श्रीलंका से बाहर के हुए 1,00,000 से ज्यादा तमिलनाडु में रह रहे हैं और 300 से ज्यादा बुरी जिंदगी में बीत रहा है। उनकी चिंता क्यों नहीं है? विभाजित करने वाली बात है कोई हिंदू और मुसलमान नॉर्थ ईस्ट पे हमला है। अभी बहुत बड़ा मजमा पीछे आ रहा है, बहुत बड़ा मजमा, बहुत सारे लोग, हमारी रैली बहुत सारी लंबी है, आज वो धीरे धीरे और भी पैसा जो है इनको वापस करने के लिए आज सभा किया जा रहा है। करोड़ लोग आए जता रहे हैं और आज मैं इससे जानना चाहूँगी नासिक बिल जब से आई है हिंदुस्तान का जो माहौल है लोग बहुत ही खतरनाक मील है यहाँ के मूल वासियों को कानून और संविधान हिंदुस्तान में शांति सुख में जिंदगी जीने का विकास का संदेश दिया। लेकिन ये मुक्ति और हिंदुस्तान के आने वाले लोग आज इस मुल्क को जलाने मांगे हुए हम हिंदुस्तान में पूरी तरह कैसे लागू नहीं हुआ है, ये सत्ता में बैठे हुए हैं उसके बावजूद जनता को बरगला रहे हैं कि हम NRC के विरोध में हैं। यदि विरोध में रहते तो उनको सत्ता से हट जाना चाहिए था। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि वो सत्ता से भी बने रहना चाहते हैं और जनता को ठगने का भी काम कर रहे हैं। मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी से भी पूछना चाहता हूँ कि जब आप कहीं पर शिक्षा या चिकित्सा या फिर रोजगार पर बात क्यों नहीं आप कोई बिल एक पास करवा देते हैं? संविधान के दायरे में रह करके लोकतंत्र के बीच में रह करके मेरी जन को इनके ही तरफ से विरोध मारता। ये जो है NRC के खिलाफ जो है एक नारा लगाया था मोदी जी मुर्दाबाद मोदी जी मुर्दाबाद, आज जो है इनका समर्थन क्या है? अधिकार पार्टी के द्वारा भी यहाँ पे बहुत सारा आए हुए हैं और हम लोग का समर्थन बहुत अच्छा ढंग से है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ भारत सरकार से कि ये जो NRC बिल लागू कर रहे हैं, CA बिल लागू कर रहे हैं, ये हमारे देश को टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तुम हमारे देश को बांटना चाह रहे हैं, जात पात धर्म लेके इसको बांटना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपना वोट का सत्ता बना रहे हैं। इसलिए वो जब भी वो चर्चा करते हैं, कभी भी चर्चा करते हैं तो जात पात मंदिर मस्जिद बस इसी पे बात होती रहती है। ये जिला अध्यक्ष जाप पार्टी के ये बताएं कि ये समर्थन मैं दे रहा हूँ, ये बिल पास होगा, ये नहीं पास विरोध करने के विरोध में जो है NRC को वापस ले, नहीं तो इनका आंदोलन और भी जारी रहेगा। बेरूस ऐसे नहीं है, देश को बेचने में लगा हुआ भाजपा। सवाल है हिंदुस्तान में जो भी हिंदू हैं अभी कहता है क्या कि पाकिस्तान का हिंदू यहाँ के बसेगा, पाकिस्तान के हिंदू की यहाँ नौकरी देंगे। सवाल है भारत में जो हिंदू हैं क्या उनको नौकरी आज तक दिया है उन्होंने? नौकरी वो BJP की सरकार नौकरी छीनने का काम करता है। दूसरी बात है उसने जो कहा कि हिंदू को देंगे, सिख को देंगे, ईसाई को देंगे, जैन को देंगे सदस्यता यहाँ का नागरिकता, और मुस्लिम क्यों नहीं? ये जात क्यों बांटा? इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध करता है। पहला विरोध हम लोगों ने के खिलाफ में रामलीला मैदान में लाखों लाख की संख्या में जुट करके और इस बिल का हम लोगों ने विरोध किया, और जब तक इसको वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग इस बिल का विरोध करते रहूंगा। चिट कटन नाम है ठग, झूठ बोलना हमारे
मोदी जी हों या अमित शाह जी हों, इनका काम सिर्फ झूठ बोलना है। झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता पाया और वही झूठ बोल करके ये फिर चाहते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम ये करके किसी तरह मैं सत्ता में बना रहूं, यही उनका चाल है।